अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। सो रमज़ान सीरीज़ की आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये बहुत ही मज़ेदार इजी बनने वाले चिकन पॉप्सिकल, जो कि आप इजीली बनाकर फ्रीज़ कर सकती हैं। ये चिकन पॉप्सिकल्स रमज़ान में आपके इफ्तार टेबल को और भी ज़्यादा डिलीशियस और टेम्पटिंग बनाती हैं। इसके लिए 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन के अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 फाइनली चॉप ग्रीन चिली ऐड करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड होंगे, जिसमें सबसे पहले ऐड करेंगे यहाँ पे 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर का। इसके साथ ही ऐड करना है यहाँ पे हम लोगों ने गरम मसाला, दैट इज़ 1/2 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। नाउ आई एम गोना ऐड फ्रेश धनिया, यू गाइस कैन ऐड एज मच एज यू वांट। नाउ आई एम गोना ऐड 1 टेबलस्पून बटर, इससे हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा। 1/2 टीस्पून ऑरिगानो एंड ऐड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। ये ऐड करने के बाद इसको हम लोग चॉपर में ऐड करेंगे और अच्छे से चॉप कर लेंगे ताकि हमारे पास एक फाइन मिक्सचर आ जाए। इसके बाद कटिंग बोर्ड के ऊपर एक क्लिंग रैप की शीट लेकर उसको अच्छे से स्प्रेड कर लें। अगर आपके पास क्लिंग रैप की शीट नहीं है सो यू गाइस कैन यूज़ अ पॉलीथीन बैग एज वेल, लेकिन मेक श्योर कि वो बिल्कुल न्यू हो और साफ हो। उसको सेंटर से कट करके 2 पीसेज में कन्वर्ट कर लें। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मेक श्योर कि आप अपने हाथों को भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें। तो यहाँ पे क्लिंग रैप और अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस करने के बाद यहाँ पर चिकन का मिक्सचर लेंगे और इस क्लिंग रैप के ऊपर उसको स्प्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। छोटी सी बॉल लेंगे, इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। आप हाथों से जितना स्प्रेड कर सकती हैं दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि इसके बाद हमें इसे और भी फ्लैटन करना है। हल्का सा हाथों के साथ इसको पहले फ्लैटन कर लें और हाथों के साथ फ्लैटन करने के बाद यहाँ पर एक और क्लिंग रैप या फिर पॉलीथीन बैग की शीट लें, इसको कवर कर दें। अच्छे से कवर करने के बाद अपने हाथों के साथ जितना फ्लैटन कर सकते हैं इसे उतना अच्छी तरह से फ्लैटन कर लें। अच्छे से फ्लैटन करने के बाद यहाँ पर इसकी टॉप लेयर को बहुत ही आराम से, बहुत ध्यान से और बहुत ही हल्के हाथों के साथ रिमूव कर लेंगे। मेक श्योर कि जो आपने चिकन की लेयर को फ्लैट किया वो नहीं फटे। फिर इसके ऊपर यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का स्लाइस ऐड करेंगे और स्लाइस ऐड करने के बाद विद द हेल्प ऑफ क्लिंग रैप इसकी साइड्स को फोल्ड करेंगे। इसकी साइड्स को फोल्ड करने के लिए यू मस्ट यूज़ अ क्लिंग रैप, क्योंकि ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको ग्रीस करना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप इसको फोल्ड करें तो हमारी जो लेयर है वो क्लिंग रैप या फिर पॉलीथीन बैग के साथ स्टिक ना कर जाए। यहाँ पर एक आइसक्रीम स्टिक लगाएंगे और आइसक्रीम स्टिक लगाने के बाद अगेन पॉलीथीन बैग या फिर सेम क्लिंग रैप की हेल्प के साथ इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि अदरवाइज अगर आप अपने हाथों के साथ इसे जस्ट फोल्ड करेंगी तो ये टूट भी सकता है। हल्का सा लिफ्ट करते हुए इसको यहाँ पर रोल करना स्टार्ट कर देंगे टू मेक अ पॉप्सिकल। हल्के हाथों के साथ बहुत आराम आराम से पॉलीथीन को उठाते हुए या फिर क्लिंग रैप को ही उठाते हुए इसको रोल करना है लाइक आई एम डूइंग, अदरवाइज ये टूट सकता है या फट सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से हल्के हल्के हाथों के साथ इसको फोल्ड कर लें ताकि आपके पास एक पॉप्सिकल बन जाएगा। यही काम आप अपने हाथों से करने की कोशिश करेंगी तो आपकी पॉप्सिकल जो है वो टूट भी सकती है। बहुत आराम आराम से बहुत ही हल्के हाथों के साथ सारी पॉप्सिकल्स को यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथों के साथ प्रेस कर लेंगे। रोल करने के बाद बहुत ही आराम आराम से इसको अपने हाथों के साथ प्रेस करें। आपके हाथ बहुत अच्छे से ग्रीस होने चाहिए। हल्के हाथों के साथ इसको प्रेस करते जाएं ताकि हमारी पॉप्सिकल जो है वो यहाँ पर अच्छे से बाइंड और सील हो जाए। कीप रोलिंग दिस पॉप्सिकल्स इन योर हैंड टिल यू गेट परफेक्ट शेप। जब आपको लगे कि इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट हो गई है तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट पॉप्सिकल रेडी हो चुकी है। इसी तरह से बाकी सारी पॉप्सिकल्स भी रेडी करनी है। अगेन यहाँ पर हम लोग जो हमारे पास क्लिंग रैप है उसको स्प्रेड कर लेंगे ऑन आवर कटिंग बोर्ड। सेम क्लिंग रैप या सेम पॉलीथीन बैग को ही बार बार यूज़ करेंगे, बार बार ये चीज़ें चेंज नहीं करनी। यहाँ पर अगेन इसको स्प्रेड करेंगे और अगेन चिकन का बैटर लेके सेम प्रोसेस के साथ इसको भी बहुत ही हल्के हाथों के साथ प्रेस करते हुए स्प्रेड कर लेंगे। हल्का सा स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम लोग अगेन यहाँ पे क्लिंग रैप लगाएंगे और क्लिंग रैप लगाने के बाद सेम उसी प्रोसीजर के साथ इसको अच्छे से फ्लैटन कर लेंगे ताकि हमारे पास चिकन की एक बहुत ही पतली और बारीक सी लेयर बन जाए। अच्छे से फ्लैट करने के बाद क्लिंग रैप की टॉप लेयर को बहुत ही आराम से और बहुत ध्यान से रिमूव कर लेंगे। फिर यहाँ पर सेंटर में अगेन मोज़रेला चीज़ का स्लाइस ऐड करेंगे और स्लाइस ऐड करने के बाद क्लिंग रैप की हेल्प से इसको फोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। पहले साइड से फोल्ड करेंगे और बाद में इसको रोल अप करेंगे। मेक श्योर कि एक तरफ से आप पहले इसको बहुत ही आराम से और बहुत हल्के हाथों के साथ कवर कर लें। अच्छे से इसको कवर करने के बाद दरमियान में यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक ऐड करेंगे।
आइसक्रीम स्टिक ऐड करने के बाद क्लिंग रैप की दूसरी साइड से इसको यहाँ पे फोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही आराम से, बहुत ही हल्के हाथों के साथ इसको हम लोग यहाँ पे क्लिंग रैप को उठाते हुए ही फोल्ड करते जाएंगे, और जहाँ पर आइसक्रीम स्टिक आए तो वहाँ पे बहुत ही हल्के हाथ के साथ इसको उठाकर फिर फोल्ड करेंगे। आपने यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है और बहुत ही हल्के हाथ के साथ इसको उठाना है और आइसक्रीम स्टिक को भी साथ ही इस तरह से फोल्ड कर देना है। यहाँ पर अगेन इसको थ्रू आउट फोल्ड कर देंगे और हमारी सेकेंड पॉप्सिकल जो है वो भी रेडी है। अगेन इसको अपने हाथों में रोल आउट करते हुए अच्छे से शेप दे लेंगे। इसी तरह से सारी पॉप्सिकल्स रेडी करने के बाद इनको एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से अपनी शेप होल्ड कर लें। अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर इसकी ब्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, और ब्रेडिंग के लिए सबसे पहले पॉप्सिकल को ऑल पर्पज़ फ्लाई यानी कि प्लेन मैदे में कोट करेंगे। प्लेन मैदे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद फिर इसको यहाँ पर अंडे में अच्छे से कोट करेंगे, और फिर अंडे में अच्छे से कोट करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। एंड द ब्रेड क्रम्स आई एम यूजिंग हियर आर होममेड। ये ब्रेड क्रम्स की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे गिवन है, मैं आई बटन में भी लिंक ऐड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक अटैच कर दूंगी, यू गाइस कैन चेक इट आउट ओवर देयर। और ब्रेड क्रम्स की इस रेसिपी से आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल बाजार जैसे ब्रेड क्रम्स रेडी होते हैं जो कि आप इजीली घर पे बना सकती हैं और यूज़ कर सकती हैं। अच्छे से इसको कोट करने के बाद यहाँ पर एक दफ़ा ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल करें, और स्प्रिंकल करने के बाद अच्छे से प्रेस करें ताकि जितने भी ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से चिकन पॉप्सिकल्स के ऊपर स्टिक कर जाएँ। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छा और ज़ोर ज़ोर से आप इसको प्रेस करेंगी उतना ही इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स स्टिक करेंगे। यहाँ पर ये इसकी फ्रेश स्प्रेडिंग है, इफ़ यू गाइस वांट तो आप दोबारा अंडे में कोट करके फिर अगेन इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको जस्ट एक ही दफ़ा ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ। एंड हेयर आवर फर्स्ट पॉप्सिकल इज़ रेडी। इसी तरह से बाकी सारी पॉप्सिकल्स भी रेडी कर लेंगे, और सब पॉप्सिकल्स को रेडी करने के बाद यहाँ पर इसे किसी भी जिप लॉक बैग या फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ऐड करके यू गाइस कैन स्टोर इट फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। सब पॉप्सिकल्स को जिप लॉक बैग में ऐड करके 1 से 1.5 माह के लिए आप इजीली स्टोर कर सकती हैं। अफ्तार से 30-45 मिनट्स पहले इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे डीफ्रॉस्ट होने दें, और फिर मीडियम फ्लेम पे गर्म किए हुए ऑयल के अंदर आप इसको इजीली फ्राई करें, कि बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। तो मेरे चिकन पॉप्सिकल्स का बैग रेडी है जिसको मैं फ्रीजर में ईजिली स्टोर कर लूँगी। ये चिकन पॉप्सिकल्स आप बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना के रख सकती हैं, और ईद पे अपने गेस्ट को सर्व करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे गर्म किए हुए ऑयल के अंदर इन सारी पॉप्सिकल्स को ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे टिल दे गेट नाइस गोल्डन एंड क्रिस्पी। अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म किए हुए ऑयल में फ्राई कर लेंगे, कभी भी इसको हाई फ्लेम पे गरम किए हुए ऑयल में फ्राई नहीं करें, अदरवाइज ये बहुत जल्दी अपना कलर चेंज करेंगी। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे टिल दे गेट नाइस क्रिस्पी एंड गोल्डन, और फ्राई करने के बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। एंड नाउ लेट मी शो यू कि ये फ्राई होने के बाद अंदर से कैसी लगती हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी जो कि आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिर मिलूंगी आपके साथ किसी और बहुत ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।